हेलो दोस्तों, माय नेम इज वैभव अग्रवाल। वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द कॉर्पोरेट गाइस। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था द वीजा प्रोसेस फॉर द यूके। अगर आप यूके आना चाहते हैं इंडिया से, तो वीजा प्रोसेस एंड टू एंड क्या थी, और स्पेसिफिकली अपन ने कवर किया था उसमें इन्फोसिस एम्प्लॉयज के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी मुझे 1.5 मंथ यहाँ पर यूके में हो गया है, और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या चीजें जो है, अगर आप इंडिया से यूके ट्रेवल कर रहे हैं या फिर किसी और फॉरेन कंट्री में ट्रेवल आप कर रहे हैं, तो कौन कौन सी मैंडेटरी चीजें हैं आपको लेके आनी चाहिए अपने साथ। मैंडेटरी नहीं कहेंगे, लेकिन जरूरतमंद की चीजें कहेंगे, ताकि आपको आते ही साथ कुछ प्रॉब्लम्स ना हो और आपको चीजें ढूंढनी ना पड़े, और जो आपको लग सकती है इमरजेंसी में, यहाँ पे चीजें लग सकती हैं। और तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे थोड़ी सी आपको बताऊंगा, एक ओवरऑल आइडिया देने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, बेसिक चीजों से चालू करूंगा। सबसे पहले तो मैं यूके आना था, तो मैंने लिस्ट डाउन करना चालू कर दी थी चीज़ें कुछ दिन पहले से, और मुझे पता है कि यूके में काफ़ी ठंड होती है। खैर, अभी तो समर्स चल रहे हैं, और समर्स के नाम पे हमको धोखा मिल रहा है यहाँ पे यूके में। तो ठंडी यहाँ पर ओवरऑल ज़्यादा होती है यूके में, तो उससे रिलेटेड आपके पास विंटर क्लॉथ्स प्रॉपर होने चाहिए, 4-5 जैकेट्स, हैंड ग्लव्स, टोपा, मफलर, जो भी आपको लगता है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद बेसिक नीड्स की अगर हम बात करें, तो आपका मेडिकेशन पूरा आपका होना चाहिए, तो लाइक आपकी पूरी मेडिसिन होनी चाहिए, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, और आपको कोई एलर्जी वगैरह, कोई और आपका बीपी वगैरह, या फिर कुछ भी दुनिया भर की अगर आपको कोई सी भी प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड आपके पास प्रॉपर और सफिशियंट अमाउंट में आपके पास टैबलेट्स होनी चाहिए, या फिर दवाई वगैरह आपके पास होनी चाहिए। तो मैं भी लेके आया था कम से कम 50-60 टैबलेट हर एक चीज़ की लेके आया हूँ यहाँ पे। सिर दर्द, बुखार, सर्दी, जुकाम, लूज मोशन, ये सब होता है, राइट? और तो एक छोटे सा मेडिकल बॉक्स आपके पास, फर्स्ट एड बॉक्स यहाँ पर होना चाहिए, सारी चीज़ें उसके पास आपके पास होनी चाहिए, इलेक्ट्रोल पाउडर, इनो वगैरह, झंडू बाम, ये छोटी छोटी चीजें आपको लग रहे होंगे क्या बता रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें हैं जो अपन भूल जाते हैं, और मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा आपको जरूरत होती है। और आप आते हो, आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप कहाँ मेडिकल स्टोर ढूंढ रहे हो, यहाँ पे इतना इजीली मिलता नहीं है मेडिकल स्टोर। और अगर आपको एंटीबायोटिक वगैरह भी लेनी है, तो एंटीबायोटिक विदाउट प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं मिलती है ना। पैरासीटामोल वगैरह आपको मिल जाएगी इजीली यहाँ पे, टेस्को वगैरह में, सेंसवेरी में, लेकिन आपको एंटीबायोटिक्स चाहिए तो उसके लिए प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा, और यहाँ पे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना भी इतना ईजी नहीं है। अगर आप बीमार हो गए ना, तो 2 से 3 हफ्ते आपको कम से कम लग जाएगा यहाँ पे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेने का। तो उन चीज़ों से बचने के लिए मेरे ख्याल से आपके पास सफिशियंट अमाउंट में आपके पास टेबलेट्स होनी चाहिए, कि आपको बुखार आ रहा है तो आप खुद से अपना इलाज कर सको, या फिर कोई और आपको प्रॉब्लम हो रही है, एनजाइटी होती है, किसी और चीज़ से एलर्जी है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आपको लेके आनी पड़ेंगी। तो ये मैंने दवाइयाँ के बारे में भी आपको बता दिया है, कि झंडू बाम वगैरह, विक्स वगैरह, ये सारा चीज़ आपके पास होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है कि यूटेंसिल्स के बारे में मैं कहूँगा, कि अगर आपको यहाँ पे आ रहे हो, तो आपको खाना खुद ही बनाना पड़ेगा, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो मेड वगैरह या फिर कुक वगैरह आप लगवाने का, और बाहर से खाना भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते कंटिन्यूसली, तो खाना आपको यहाँ पे बनाना ही पड़ेगा। तो यूटेंसिल्स लग सकते हैं, और मेरे केस में भी यही था, मैंने यूटेंसिल्स पैक कर लिए थे, लाइक कढ़ाई, एक कुकर, प्रेशर कुकर यहाँ पे नहीं मिलता है, और अगर आपको खाना जल्दी बनाना है, चावल बनाने हैं, या फिर कोई सब्जी अगर आपको लगानी है, तो प्रेशर कुकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? तो प्रेशर कुकर मैंने रखा, कढ़ाई मैंने रखी, छन्नी और प्लेट, थाली, थोड़ी थोड़ी मैंने बर्तन, हर एक चीज़ यहाँ पे अपने पैक कर ली। लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें लिस्ट डाउन कर ली थी 10 से 15 दिन पहले अपने निकलने के पहले, और फिर मुझे, मैं रूम भी अपना यहाँ पे सर्च कर रहा था यूके में, वहाँ से बैठ के, और फॉर्चुनेटली लकीली भैया हैं एक, जिन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी, और मुझे एक रूम यहाँ पे मिल गया, और पता चला कि यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड है, उनके सारे यूटेंसिल्स हैं, मुझे कोई भी बर्तन लाने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें हैं। तो मैंने अपने बर्तन वगैरह यहाँ पे निकाल दिए थे, और वो मैं ज़्यादा लेके नहीं आया, एक दो चीज़ें लेके आया हूँ इमरजेंसी में, इफ इन केस अगर मैंने घर, मुझे स्विच करना पड़ा, चेंज करना पड़ा, कुछ इश्यूज आ गए, राइट? यहाँ पे क्योंकि मैंने देखा तो था नहीं, है ना, और वीडियो कॉल पे मेरी बात हुई थी, उन्होंने फोटोज़ वगैरह भेजे थे घर के, लेकिन ठीक है, अच्छा लग रहा था, और वो भी रह रहे थे, तो मुझे कोई इशू नहीं था कि चलो भाई उन्होंने देख रखा है, तो उनके भरोसे भी मैंने लिया, और सब कुछ अच्छा निकला। लेकिन आपके केस में ज़रूरी नहीं है कि आपको आते ही साथ घर मिल जाए, और मिल रहा है तो वहाँ पे यूटेंसिल्स हैं या फिर नहीं है, कैसी क्या व्यवस्था है किचन में, राइट? तो आपको अपने साथ बेसिक जो बर्तन होते हैं खाना बनाने के, वो आपको अपने साथ लेके आने ही पड़ेंगे। अगर आपको रोटी बनानी है, तो बिल्ला, लोग बेलन लाना भूल जाते हैं ना, तो बेलन लाना बहुत ज़रूरी है, और सनसी अगर आप बोल सकते हैं, चिमटा, ये छोटे छोटे बर्तन हैं अगर आप, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको यूजफुल आएंगे, जैसे आप किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हो और आपको खाना खुद बनाना है, क्योंकि इतनी ईजीली ये सारे बर्तन आपको मिलेंगे नहीं, और आपको शुरू में परेशान भी काफ़ी होना पड़ सकता है, और चीज़ों की बात करें, चीज़ें भी इतनी सस्ती यहाँ पर है नहीं, है ना, तो कई कई चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं, सब्जियाँ भी बहुत ज़्यादा महंगी हैं, और सामान खरीदना भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा है। कुछ कुछ चीज़ें, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह की अगर अपन बात करेंगे, तो वो बिल्कुल सिमिलर टू इंडिया कॉस्ट है, ठीक है,
जैसे एप्पल की बात करेंगे तो 300-400 रुपये किलो में अच्छे एप्पल यहाँ पे मिल जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो सिमिलर कॉस्ट है जितना इंडिया में, काजू वगैरह बादाम वगैरह सेम कॉस्ट पे। तो ये कुछ यूटेंसिल्स थे फ्रेंड। तो फ्रेंड्स यूटेंसिल्स में एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं कहूँगा, चाय वाली छन्नी। चाय वाली छन्नी यहाँ पे 10 से 11 पाउंड की मिलती है, मतलब समझ रहे हो आप, 1000 रुपये 1100 रुपये की छन्नी मिलती है, जो अपने यहाँ इंडिया में 40-50 रुपये की मिलती है, राइट। तो छन्नी, चाय वाली छन्नी जरूर लेके आए, वो मैं लेके आया, वो बहुत ज्यादा यूजफुल हो रही है मेरे यहाँ पे। तो 1000 रुपये मेरे उसमें ही बच गए, छोटी सी चीज में। उसका वजन भी कितना रहता है, 30-40 ग्राम, है ना। तो वो छन्नी लेके आप आ सकते हैं अगर आप चाय के शौकीन हैं, चाय आपको पीना होती है। और ये यूटेंसिल्स के बारे में बात हो गई। अभी कुछ इंपॉर्टेंट खाने पीने की बात करेंगे फ्रेंड्स। तो खाने पीने में क्या आप ला सकते हैं, जैसे थोड़ा बहुत मसाले वगैरह स्टार्टिंग में आप ला सकते हैं, छोटे छोटे पैकेट रख सकते हैं, 50-50 ग्राम के जो आते हैं, या फिर 10-10, 20-20 रुपए वाले, धना मिर्च हल्दी वगैरह गर्म मसाले दुनिया भर के। खड़ा गर्म मसाला यहाँ पे मिलना मुश्किल होता है। अगर आप खड़ा गर्म मसाला आप यूज़ करते हैं खाने में डालने में, तो आप लेके आइए। मैंने लेके नहीं आया, मैं भूल गया। तो अगर आपको यूज लगता है तो आप लेके आइए। और मसालों के बारे के बाद अगर अपन बात करेंगे, कुछ रेडीमेड चीज़ें होती हैं लाइक इंस्टेंट पोहा, इंस्टेंट उपमा, ढोकला वगैरह। तो अगर आप पोहे के शौकीन हैं तो इंस्टेंट पोहे वगैरह, इंस्टेंट उपमा, इंस्टेंट पास्ता इतना ईजीली यहाँ पे मिलेगा नहीं, तो आप वो भी इंडिया से लेके आ सकते हैं। 10-20 पैकेट आराम से पोहे के रख लीजिए आप, है ना, उपमा के रख लीजिए, ढोकला के रख लीजिए, मैगी वगैरह अगर आपके शौकीन है तो मैगी वगैरह भी रख लीजिए, क्योंकि इनका वेट बहुत कम होता है, राइट। तो अगर आप मैगी के आप 8-10 पैकेट रख लेते हो 50-100 ग्राम वाले, तो आपका 1 किलो में आपका मैगी हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा। मैगी यहाँ पे मिलती है, पोहे भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास बैगेज है, आपका लगेज आपको अलाउ करता है कि आप इतना वेट ले जा सकते हो, और आपके पास स्पेस है उतना, तो मेरे ख्याल से आपको ये इंस्टेंट वाली चीज़ें लानी चाहिए। और लाइक लेट सपोज आप कभी खाना नहीं बना पा रहे हो, क्योंकि खाना बनाने में टाइम निकलता है, अगर अपनी आदत नहीं है खाना बनाने की, तो 1-2 घंटे आराम से आपके निकल जाएंगे अकेले के खाना बनाने के लिए भी। ये मेरे साथ हो रहा था, अभी भी हो रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप मीटिंग्स में इतना फंस गए, काम में इतना उलझ गए, कहीं निकल गए, कुछ हो गया, तो आप खाना बनाना भूल जाते हो, या फिर आपको टाइम नहीं लगता है। तो उन सारे केसेस में आपके इंस्टेंट चीज़ें आपके काम आएगी, कि मैगी बना ली 2 पैकेट, खा लिया, चलो रात का खाना हो गया, सुबह से नाश्ते में पोहा, इंस्टेंट पोहा जो है आपने वो बना लिया 2 मिनट में। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल आएंगी और काम देंगी, आपको हेल्प करेंगी मेरे ख्याल से। तो मेरे ख्याल से इतना भी अगर आप क्वांटिटी में खाना पीना वहाँ से लेके आते हो तो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि डेली तो आप पोहे बनाने वाले हो नहीं, राइट। ये इमरजेंसी के लिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, अगर आपको कुछ लगता है आपका खाना नहीं बन पा रहा है, रेडी नहीं हो पा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको यूजफुल हो सकती है। नेक्स्ट चीज़ की बात करूँगा फ्रेंड्स, कॉस्मेटिक से रिलेटेड। अगर आपका कोई इलाज वगैरह चल रहा है, आप कोई दवाई वगैरह यूज़ करते हो फेस वगैरह पे, बॉडी वगैरह पे लगाने के लिए, तो वो आप 2 से 3 मतलब क्वांटिटी में लेके आइए कम से कम। यहाँ पे हो सकता है जो आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है वो वहाँ पे मिल रही हो इंडिया में, यहाँ पे ना मिले, राइट। तो वो सारी चीज़ें भी आप अपने साथ लेके आइए, फेस क्रीम वगैरह आपको लगता है, टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये सारी चीज़ें। नेल कटर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ढूंढते रह जाओगे, पता लगा मिल रहा नहीं मिल रहा, है ना। तो नेल कटर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी चीज़ है, ला सकते हो आप, है ना। साबुन वगैरह ये सब मैं बिल्कुल छोटी छोटी, बिल्कुल नीचे लेवल पे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक लेवल पे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूजफुल आएंगी। और अगर आप भी यूके आ रहे हैं, तो अगर आप सोच रहे हैं कि अरे लिस्ट क्या बनाना, पैक कर लेंगे, लेकिन जब आप लिस्ट डाउन करना चालू करोगे चीज़ों को, आपको पता चलेगा कि आपके पास 100 आइटम हो गए हैं पैक करने के लिए, राइट। तो मैं कहूँगा आप चीज़ें लिस्ट डाउन कर लीजिए। और मैंने जो सारी चीज़ें आपको बताई हैं फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसके अलावा बहुत सारा सामान लेके आया था, लेकिन ये यहाँ आने के बाद 1.5 महीने में मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें तो एटलीस्ट आपके पास यहाँ पर होनी ही चाहिए, ठीक है। और घर का नाश्ता अगर आप कुछ ला सकें, लाइक लड्डू वगैरह, वो भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप लंच नहीं बना पा रहे, तो क्या होता है कि मीटिंग में अगर आप चालू हो गए 8:30-9 बजे, आपने काम चालू कर दिया है और लंच आपको करना है, और लंच अगर आप प्रिपेयर नहीं कर पाए तो क्या करोगे, मतलब आपके पास टाइम नहीं है, बैक टू बैक मीटिंग्स हैं, कई बार ऐसा हो जाता है, राइट। तो फिर उस टाइम पे ना जो आपकी इंस्टेंट चीज़ें आप लेके आए, इंस्टेंट पोहा, इंस्टेंट उपमा, मैगी, या फिर जो घर का नाश्ता है ना, केवल वही आपको हेल्प करेगा और कोई नहीं करेगा। या फिर आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, ऑर्डर करोगे तो 20 पाउंड का लंच आएगा, 20 पाउंड मतलब 2000 रुपये, 2000-2500 रुपये आपका जाएगा, ठीक है। तो एक आध दिन 2 दिन की बात हो तो अगर आप ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन डेली डेली अगर आपका ऐसा कर चल रहा है, या फिर हफ्ते में 2 दिन 3 दिन करना है, तो मेरे ख्याल से वो सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी जो मैंने यहाँ पे आपको बताई हुई हैं। तो इतना आप लेके आइए, और ज़रूरत लगती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और आप कहोगे तो मैं लिस्ट भी उसकी पोस्ट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स यही था आज के इस वीडियो में, मेरा मेन मोटिव था कि अगर आप भी कहीं ट्रैवल कर रहे हो, फॉरेन कंट्री में जा रहे हो इंडिया से, या कहीं से भी कहीं पर भी जा रहे हो, तो ये बेसिक नीड हैं और बेसिक चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगी। और मेरे ख्याल से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और इस वीडियो का अगर आपने देखा है, तो कुछ ना कुछ हेल्प जरूर आपको मिलेगी इस वीडियो से।
फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।